हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है आईसीआर मोहाली से। तो यहाँ पे देखिए, आईसीआर मोहाली में जो है डिफरेंट टाइप की नॉन टीचिंग और टेक्निकल पोजिशन को निकाला गया जो कि प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस टाइप की वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। तो अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे डीपर बायोलॉजी क्लास एंड जॉब टेलर तो आपको जो है इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा मेरे चैनल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट उसे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट आप रेगुलरली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आईएसएल मोहाली की तरफ से आया। तो यहाँ पे देखिए, नॉन टीचिंग पोस्ट और आपका टेक्निकल पोजीशन निकाली गई जो कि प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। तो अब देखिए, फिजिकल एजुकेटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को निकाला गया जिसमें आपको पीजी डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। और आपका यहाँ पे अगर डिप्लोमा है कोचिंग फ्रॉम एनआईएस फ्रॉम एनी इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट, अब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर्स है, पोस्ट कोड 101 और आपका कंसोलिडेटेड फिक्स्ड मंथली रेमुनरेशन रहेगा वो 57,000 यहाँ पे रहेगा। एक्सपीरियंस अगर आपका 5 ईयर्स का है सेंट्रल या स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसे सुपरिटेंडेंट अकाउंटेंट्स की वैकेंसीज को भी निकाला गया, इसकी जो एमोलूमेंट्स आपको मिलेगा 45,000 मिलेगा। जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी में आपको 45,000 मिलेगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल विदेशी और रेफ्रिजरेटर और स्पेशलाइजेशन आपको 45,000 और आपको जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए 27,000, जूनियर असिस्टेंट के लिए 27,000, कुक के लिए आपको 27,000 जो है यहाँ पे एमोलूमेंट दिया जाएगा। तो आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो 8 नवंबर 2021 शाम इवनिंग 4 PM तक है, ठीक है। तो ये देखिए, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में अगर बात करें तो ये आपका जो है सैलरी वो कंसोलिडेटेड मंथली रेमुनरेशन रहेगा, तो ये घट या बढ़ नहीं सकता है और ये जो पोस्ट है ये इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकती हैं। तो अगर इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करें। तो लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की ऑनलाइन वो 8 नवंबर 2021 है शाम 4 बजे तक, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक जो है इन्होंने एप्लीकेशन फी मेंशन कर रखी है। तो अगर आप अनरिजर्व OEWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ₹300 जो है वो आपको जो है एप्लीकेशन फी पे करने पड़ेगी। वहीं आप SC ST PWD या वुमेन कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे ₹150 जो है वो पे करना पड़ेगा एज एन एप्लीकेशन फी। इन्होंने पेमेंट मोड जो है वो NEFT RTGS के थ्रू कर सकते हैं। आप बेनिफिशियरी नेम, बैंक नेम, बैंक वेयर अकाउंट इज हेल्ड, बैंक अकाउंट नंबर, RTGS या IFSC कोड सारा मेंशन कर रखा है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।